राव साहब, एक सवाल है आपसे। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रूप में किस तरह से देखते हैं सर? अरे सब छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई यू आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दे। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक कौन बनता हूं, मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। सर 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 आप सर आप संपूर्ण भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं सर? देखो, कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में संपूर्ण विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं? जी जी जी, क्या है तो आप जिनको हराने की बात कह रहे हैं? मैं नहीं सुना जी। सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे, और 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं उनको मैंने कहा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, उसी प्रयास लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे, मिलकर चलेंगे। आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। आप जिनको 2024 में हराने की बात कर रहे हैं उनके पास एक चेहरा है, चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल, क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा नहीं। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। आप भी बैठिए। अरे आप बार बार क्यों उठ इस पूरे प्रक्रिया सर इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं। देखिए ऐसा है, नहीं, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूं। मैंने कह दिया योर हिंदी इज वेरी गुड, आप भैया बहुत अच्छी है। मैंने बता दिया है, आप बैठिए। मैंने उनका नाम लिया तो कौन है? आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे, ठीक है? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास, बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18 हो ही नहीं सकता सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18 सर। अब चलिए रे, झूठ ये एक मिनट बताइए, बोलने दीजिए सर। बैठिए सर, राव साहब अतिथि हैं, बोलने दीजिए। आप बैठिए ना। लास्ट क्वेश्चन बैठिए प्लीज सर। लास्ट क्वेश्चन केसीआर सर, नहीं नीतीश जी बैठिए ना प्लीज। हो गया, चलिए ना। केसीआर सर लास्ट क्वेश्चन, अरे ये कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे सब। आप ही क्या पूछ रहे हैं कि क्या हो सर? वन लास्ट क्वेश्चन सर। इतना अच्छा आपको बोल दिए सर। यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग गुजरात मॉडल ऑल द टाइम एंड बोस्टिंग अबाउट योर तेलंगाना मॉडल, कुड यू प्लीज इलेबोरेट ऑन दैट? एंड ऑल्सो, विल देयर बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स इन दिस फ्रंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? देखिए ऐसा है, बैठिए ना सर। नहीं, बैठिए पॉलिसी बता देते। नहीं नहीं सर, बैठिए ना, राजनीति छोड़िए। गुजरात मॉडल जिसका आपने बात कहा है,
वो 100% फ्लॉप मॉडल है, 100%। हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने ला चुके हैं, जहां गांधी जी का जन्म हुआ कहते हैं कि भाई प्रोहिबिशन है हमारे पास, लेकिन वहां कलती शराब इलिसिट लिकर पी के 70 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो प्रधानमंत्री जी का खुद का राज्य है। डू यू थिंक दैट गुजरात मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल? यू थिंक सो? इट इज 100% फ्लॉप मॉडल। आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए कहां जा रहा है देश, उसमें गुजरात भी इतना अंदर है, गुजरात में भी बिजली की किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है, उद्योगपति भी आंदोलन कर रहे हैं बिजली दो हमें वरना हम अन्य राज्य में चले जाएंगे, ये हर रोज सुनते हैं जी। अब हमारे पास भी गुजरात के कई बिजनेसमैन काम करते हैं हैदराबाद में। गुजरात मॉडल इसे अटर फ्लॉप मॉडल, गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता, वहां दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में, कल जो वाक्य हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में, ये गुजरात मॉडल है? ये मॉडल चाहिए हिंदुस्तान को? कब तक, कहां तक चलेगा? 100% इट्स ए फ्लॉप मॉडल, इट्स प्रूव्ड, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जी। वो अगर संभव हो तो सुनने के लिए अच्छा ही लगता है, तो हमारे जैसे देश में वो कहां तक संभव है, कहां है, उन चीज के बुद्धिजीवी है वो सब बैठ के तय करे, प्रयास करे, अगर हो सके तो हो जाए। Mr. Rao, one small question. I've been trying to reach out to you for quite some time now. The question being that it appears more or less from whatever deliberations you people had that your idea of cobbling up a third front yet again, in the past we do have such instances. It is not third front. Why are you naming it third front? Why you are naming it as a third front? We have never named it. An alliance. Let's call it an alliance. Main front. Why are you? Okay, main front. So in the past it has been failed attempt. What do you think this time round there would be some kind of cohesiveness despite all the inherent contradictions? देखिए ऐसा है, आपका सवाल का मैंने जवाब दे चुका है। पीछे जो परिणाम हुए, जो फ्रंट्स फेल हुए हैं, ये सारा देश भी जानता है, राजनेता भी जानता है, हर कोई जानता है। इसीलिए हम कह रहे हैं भाजपा से जो खतरा सामने आ रहा है, जो उभर रहा है, उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास, अच्छे प्रयास, उच्च गुणवत्ता वाला प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। उससे क्या बात निकल कर आती है देश के सामने, आप थोड़ा सब्र से काम। सर बिहार में सरकार फ्रंटी है भाई, आपको क्यों इतनी घबराहट है भाई? हम बताएंगे ना राव साहब, राव बैठेंगे बताएंगे, आप क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? यानी कि आप विपक्ष के अंदर आप फूट डालना चाह रहे, फिर क्या बात है, फिर क्या बात है? हम बताए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आप दोहराते जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया आपका। राव साहब एक सवाल इधर से है, बिहार में सरकार बनते ही जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय एजेंसी का छापे पड़ रही है, कई सवाल जो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वो भी CBI ED IT पे उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जिस प्रकार विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, फर्जी भी है झूठे भी है बहुत सारे, सताने के लिए राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, ये सारा देश जान गया है, सारा देश। ये कार्टून आया था बिहार में, जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कार्टून आया, एक बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ED CBI और कुछ क्या पता नहीं क्या क्या IT, अधिकारी भाग रहा है, उनके मिसेस पटलून पकड़ के पैंट तो पहन के जाओ, ये कार्टून आया जी, सारा देश हंस पड़ा इस पर। यानी कि इस एजेंसी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी कितना अपमान इस देश में हो रहा है, उनका जो मान्यता है उनको किस प्रकार का राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा देश जान चुका है। आप लोग भी बखूब जानते हैं हमसे, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सो डू यू सर, डू यू थिंक दैट कंसेंट ऑफ द CBI शुड बी विदड्रॉन इन बिहार एज इट हैपेंड इन अदर स्टेट्स? नहीं, इट शुड बी विदड्रॉन एवरीवेयर। ओके, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट,
जो जहां चाहे घुसपैठ करे, षड्यंत्र करे, डिक्टेटर टंट चलाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो भी एक पार्टी लाएंगे, एक ही ध्वज लाएंगे, एक ही मैं रहूंगा, मैं पन्ना मैं का घर हमेशा खाली, ये होता हुआ दिखा हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी, अब भी बिल्कुल होके रहेगा। आपको धन्यवाद।